किसी से प्यार करना हो तो दो चीजें देखी जाती है, एक तो उसका रूप पसंद आ जाता है या उसके गुण पसंद आ जाते हैं, प्यार हो जाता है। तो बोले भगवान से बढ़िया रूप किसका है और भगवान से बढ़िया गुण किसके हैं? तो तुम्हें भगवान के रूप का और गुणों का वर्णन करना चाहिए था। जहां पर कौओं के लिए जूठन पड़ी हो वहां मानसरोवर के हंस कभी दाना चुगने नहीं जाते, वो जूठन खाने हंस नहीं जाते। बोले तुमने जो रचना की है वो तो गृहस्थियों के लिए कर दी, लेकिन प्रेमी बैरागी सन्यासी जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गृहस्थी तो अपने परिवार से भी प्यार करते हैं, लेकिन जो भगवान से ही प्यार करते हैं उनके लिए तुमने क्या लिखा? तब जाकर के व्यास जी महाराज कहने लगे कि तो मुझे क्या करना चाहिए। बोले अब एक पुराण की रचना करो, उसमें ये सब लिखो भगवान ने क्या किया और भगवान का रूप कैसा है। बोले देखना फिर प्रेमी जन इसे इतना पसंद करेंगे, सुनते ही भक्ति उनके हृदय में जरूर प्रकट हो जाएंगे। लिखो। तो बोले मैं लिख तो दूं, लेकिन एक बात बताइए, क्या भगवान की कृपा मुझ पर होगी, क्या वो दया करेंगे? बोले दया करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तुम लिखो। बोले मुझ पर दया की है, पहले मैं गंधर्व था, श्राप के कारण दासी का पुत्र बना, दासी का पुत्र बना तो मेरी माँ ने मुझे सन्यासी साधु आए थे गांव में चतुर्मास करने के लिए, उनकी सेवा में मेरी माँ ने लगा दिया, मैं सेवा में लग गया। छोटा सा था 5 वर्ष का, मेरी माँ ने सोचा खाने पीने को मिलेगा, साधुओं के साथ रहेगा तो और सेवा करता रहेगा, कुछ मिलेगा इसे बेचारे का। बोले मैं सेवा करता रहा और सेवा करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया। एक दिन मैं संत साधु जाने लगे, उन्होंने जब जाने का विचार किया तो बोले उन्होंने अपनी थाली में थोड़ा सा भात और साग छोड़ दिया, थोड़ा सा तिनका मात्र, और बोले छोड़ने के बाद मुझे इशारा किया कि बेटा इधर आओ। मैं 5 वर्ष का था, मुझसे कहा ये मेरा जूठा खा लो। क्या कहा? थाली में बचा हुआ ये मेरा जूठा, इसे खाओ। और जब जूठा खाने के लिए दिया मैंने, जैसे ही खाया तो जीवन भर में जितना ज्ञान प्राप्त होता 5 वर्ष की आयु में, वो दिव्य ज्ञान वो भगवान की प्राप्ति मुझे हो गई। मैं उनको जान गया कौन है, कहाँ मिलेंगे। बोले मैं घर से निकलना चाहता था, मेरी माँ मुझे निकलने नहीं दे रही, रोने लगी, हाय मेरे बुढ़ापे की लाठी हो तुम, पति छोड़कर पहले ही चले गए, तुम भी चले जाओ। मैं सन्यासियों के साथ जाना चाहता था, माँ अपनी ओर खींच रही है, मैं सन्यासियों को पकड़ रहा हूँ। इसके बाद सन्यासियों ने मुझसे कहा, उन साधु संतों ने मुझसे कहा कि पुत्र एक काम करो, अभी तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी माँ जब तक है उनकी सेवा करो, इसके बाद तुम भगवत धर्म अपना सकते हो, पहले माता की सेवा सबसे बड़ा तुम्हारे लिए कर्तव्य है, सो इनकी सेवा करो।